बड़ी खबर ही है और खबर जो ही है बेरोजगार युवकन से जुड़ी है। बताए दी कि मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता 2018 के भर्ती परीक्षा के दौरान जे युवा रहे भर्ती परीक्षा दे रहे और अपने नियुक्ति के इंतजार करत रहे तो 5 साल के बाद और जे लोगन का नियुक्ति नहीं मिली है उमर नाराजगी देखे के मिली। जे के बाद बता दी कि बेरोजगार युवन के संगे संगे गर्भवती महिला घलाए हड़ताल में बैठ गई हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सवजने का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के कई चयनित शिक्षक बहनों अपनी नियुक्ति के इंतजार कर रहा हाँ। सेकेंड काउंसलिंग में इनकर नाम ना आवे के कारण अब जो है इनकर आक्रोश बढ़ गया है। जेका लेके चयनित शिक्षक जो रहे लोक शिक्षण संचालय के बाहर प्रदर्शन कर दिन। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन में गर्भवती महिला घलाए जो पिछले 5 साल से नियुक्ति के इंतजार में रही वो वहां पहुंची हैं। अपने छोट छोट बच्चन के साथ कई एक महिला पहुंची हैं। बता दें कि नियुक्ति कलई के अभ्यर्थी के कहा भवे कि भर्ती परीक्षा पास करे के बाद लंबे समय से ई केवल इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कई एक थे टीचर हाँ जिनकर पहले नियुक्ति लग चुकी है पर इनका नाम जो है सूची में नहीं आ पाए। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जौन विसंगत चयन सूची माओ का दूर की जाए उनका नियुक्ति दी जाए। बता दी कि अभ्यर्थी 5 सूत्री मांगन कलई के प्रदर्शन कर रहा है जोड़े में स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग के चयन सूची में सबसे पहली चयनित अभ्यर्थी के नाम में रोक लगावे। पहल चरण के बाद बदेरे के पहल चरण के बाकी पद में जो रिक्त पद हाँ ओमा जल्दी चयन सूची जारी करे। पहल चरण के उपेक्षित विषयन में पद वृद्धि करे। बैकलॉग समेत सब रिक्त स्थायी पदन में भर्ती करे खातिर और सीएम राइज स्कूल में अभ्यर्थी के सीधी भर्ती के मांग घलाए शामिल है। बता दें कि आंदोलनकारी के कहाव है कि अगर इनकर मांग जो उन्हें पूरी नहीं की जाए प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा इनके मांग की अनदेखी की जाती तो जनजाति गौरव दिवस के दिना इनकर उग्र रूप देखे का मिली बड़ा आंदोलन के चेतावनी दीन के ही बे। तो सजग रही सतर्क रही रखी आप और अपने परिवार के ख्याल दे। इजाजत प्रणाम।